एक और प्रश्न है, पूछा है मित्र ने, क्या हमारे लाइफ के जो डेली एक्सपीरियंसेस हैं, दैनिक अनुभव हैं, वो प्रीडेस्टिन्ड हैं, पहले से ही तय हैं? देखिए, प्रीडेस्टिन्ड होना एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है। तो किसी भी चीज़ को कभी ऐसा मत समझें कि ये फाइनल और एब्सोल्यूट ट्रुथ है। फाइनल और एब्सोल्यूट ट्रुथ तो कहा ही नहीं जाता, वो कहा जा ही नहीं सकता, इसीलिए उसको अनिर्वचनीय कहते हैं, इनएक्सप्रेसिबल कहते हैं, वो अभिव्यक्ति में नहीं आएगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि सब चीज़ प्रीडेस्टिन्ड है, तो वो कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम्हारे पास कई उपाय हैं। वो तुम्हारे जीवन को एक दिशा देता है, तुम्हें शांति देता है, और तुमको उस फाइनल ट्रुथ की तरफ जाने का सहारा देता है। इन ए वे चीज़ें प्रीडेस्टिन्ड है, इन ए वे मतलब एक तरह से वो पूर्व निर्धारित है। जैसे कि तमाम फैक्टर्स, तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अस्तित्व में चल रहे हैं, और उनके माध्यम से तमाम घटनाक्रम बन रहे हैं लगातार। कोई एक व्यक्ति नहीं उन घटनाक्रमों को तय कर रहा है, इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि वो पूर्णता से घटी हुई घटनाएं हैं, मैनिफेस्टेशंस फ्रॉम द टोटैलिटी। टोटैलिटी से घटेंगी तमाम चीज़ें हैं, और फिर वो किसी घटनाक्रम को पैदा करेंगी। तो चूंकि वो घटनाक्रम पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका फॉर्म बन गया है, उसकी जो निर्धारित होने की स्थिति है वो बन गई, उसको कह सकते हैं वो प्रीडेस्टिन्ड हो गया है। फिर कभी कभी कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा ठीक क्रिस्टलाइज हो जाती हैं कि वो पूरी तरह से प्रीडेस्टिन्ड है ही हैं, और कभी कभी वो जो कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है, वो बन ही रहा है लेकिन थोड़ी ही देर में बनेगा, तो वो भी उसी का हिस्सा है। तो मुझे सुन रहे हो समझो इस समय, तो सुनते सुनते भी जो समझ घट रही है या समझ नहीं घट रही है, तुम्हें स्वीकार घट रहा है, तुम्हें विरोध घट रहा है, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे अंदर के किसी घटनाक्रम को गति दे रहा है, दिशा दे रहा है। तो उसके साथ ही जो भी वेव तुम्हारे अंदर पैदा हुई, आगे आने वाली किसी घटना की पूर्व तैयारी हो चुकी है। अगर तुम अभी सुनते सुनते बड़े स्वीकार से भर गए हो, तुम्हारे अंदर एक समझ घट गई है, तो जाते जाते तुम्हारी जो अभिव्यक्ति है वो प्रेमपूर्ण ग्रेटिट्यूड से भरी हुई होने वाली है, वो प्रीडेस्टिन्ड हो गई। क्योंकि तुम उठोगे, तुम न चाहते हुए भी अपने अनुग्रह को, ग्रेटिट्यूड को किसी न किसी रूप में एक्सप्रेस करोगे, घटेगा वो। और अगर सुनते सुनते तुम्हारे अंदर विरोध घट गया है कि भाई ये बात तो मैं नहीं मानता है, मेरी समझ में नहीं आती, ऐसा कैसे होता है, ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, तो तुम्हारे अंदर फिर एक प्लेटफॉर्म पैदा हो गया है। तो उठते उठते तुम्हारे अंदर कुछ अनमनापन, कुछ वैसे मिलता जुलता जो घटना होगा, प्रीडेस्टिन्ड बन गया है, पूर्व निर्धारित हो गया है। तो उसके बाद तुम क्या प्रतिक्रिया करोगे, एक वे में बन गया। तो ये मेकिंग है, ये लगातार चल रही है, मोमेंट टू मोमेंट। और कुछ चीज़ें तो पहले की इतनी स्ट्रांग कंडीशनिंग से चल रही होती हैं कि बन जाती हैं, फिर इन पर अस्तित्व के दबाव हैं, तमाम फ्लक्चुएशन हैं, तमाम फ्रिक्वेंसीज हैं, वाइब्रेशंस हैं, थॉट फ्लो है, एनर्जी फ्लो है, सब कुछ हमसे टकरा रहा है। तो वो हमको लगातार कुछ दिशा दे रहा है। तो उस अर्थ में ये बात कह दी जाती है कि सब प्रीडेस्टिन्ड है। अब लोग उसको बहुत ही मंडेन प्लेन पर खींच कर लाने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ की, क्या ये भी प्रीडेस्टिन्ड है, क्या ये भी प्रीडेस्टिन्ड है, मैं सुबह की चाय पीऊँगा ये भी प्रीडेस्टिन्ड है, चाय में मैं आधा चम्मच चीनी डालूँगा कि एक चम्मच डालूँगा, क्या ये भी प्रीडेस्टिन्ड है, मैं आज मुँह धुलूँगा कि नहीं धुलूँगा, ये भी प्रीडेस्टिन्ड है। लेकिन वो भी है इन अ वे। अगर तुम अभी थोड़ी देर पहले हेल्थ कॉन्शियस हो चुके थे, तुमने शुगर के बारे में काफ़ी पढ़ लिया था, अच्छी है बुरी है, कम खानी चाहिए ज़्यादा खानी चाहिए, तो तुम्हारे अंदर एक प्रिपरेशन माइंड में पहले ही बन चुकी थी कि भाई शुगर ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, वैसे तो कहते हैं बिना शुगर के ही चाय पियो कॉफ़ी पियो तो बेहतर है,
तो चलो हम आधा चम्मच ही लेते हैं। अब तुमको नहीं पता था कि तुम आधा डालोगे कि पूरा डालोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर माइंड में वो पहले ही एक ग्राउंड बन चुकी थी। लेकिन तुम्हें बहुत टेम्पटेशन है मीठा खाने का, और तुम अभी इस नॉलेज से अवेयर नहीं हो कि वो तुम्हें नुकसान भी करती है, और तुम्हारे अंदर कंडीशनिंग बन गई है कि शुगर में तो एनर्जी होती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आती है, और तुम इस नॉलेज से बिल्कुल भी परिचित नहीं हो कि इसमें कोई नुकसान भी है। तुमको लगता बहुत अच्छा होता है, तो तुम दो तीन चम्मच डालने के लिए पूरी तरह तैयार हो, प्रीडेस्टिनेट बन चुका है सारा माहौल। पहले के वक्त में, इसी घटना को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले के वक्त में तुम देखो मीठा भी लोग जिस तरह से खाते थे, आज कोई नहीं खाता, क्योंकि ज्ञान बदल गया है, कंडीशनिंग बदल गई है। पहले लोगों को लगता बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी नेमत है। मुझे याद है बचपन में मिठाइयाँ रखी जाती थी तो लोगों की कोशिश होती थी जितनी खा सकें पहले उतनी खा लें, कहीं शादी बारात पार्टी में जाना है लोगों को तो कंपटीशन ही था कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई खा सकते हैं। वह आजकल काउंटर लगा रहता है, लोग देखकर निकल जाते हैं कि हाँ भाई बड़ा अच्छा अच्छा है, थोड़ा टेस्ट कर लिया। तो अब वो कल्चर भी बदलता जा रहा है कि अब क्या फूड डिस्प्ले करेंगे, आप क्या करेंगे, लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो प्रीडेस्टिनेट हो गया, आपका ज्ञान बदला, आपका अनुभव बदला, आपकी कंडीशनिंग बदली, तो आपकी डेस्टिनी बदल गई, आपके अंदर वो चीज़ बदल गई। तो प्रीडेस्टिनी से जो लोग कन्फ्यूज ये हो गए हैं कि उसके लिए तो हमको किसी ज्योतिषी के पास जाना है, ग्रह नक्षत्र पूछेंगे कि भाई क्या ये ऐसा है, तब उनकी उलझन खड़ी होगी, तब उनको मुश्किल आएगी कि उस तरह से प्रीडेस्टिनेड नहीं है कुछ। लेकिन तुम्हारे दिन प्रतिदिन मोमेंट टू मोमेंट बदलते हुए नॉलेज, तुम्हारे मोमेंट टू मोमेंट बदलती हुई कंडीशनिंग से चीज़ें लगातार बदल रही हैं, जो एक वे क्रिएट कर रही हैं। तो उस तरह से फिर तुमने लाइफ सिचुएशन की भी बात पूछी, लाइफ एक्सपीरियंसेस की भी बात पूछी है, मैं दोनों तल से उसके उत्तर दे रहा हूँ। सिचुएशंस की बात तो ये हुई, अब एक्सपीरियंस की बात हुई कि कोई उसको कैसे एक्सपीरियंस करेगा तमाम घटती हुई घटनाओं को, क्या वो प्रीडेस्टिनेड है? ऑब्वियसली वो भी उसके अनुभव और ज्ञान के तल पर निर्भर करेगा। कोई व्यक्ति बहुत समझदार हो चुका है तो तमाम जीवन के अनुभवों को शांति से स्वीकार से देखेगा, जिसका अनुभव अभी अपरिपक्व है, इमेच्योर है, वो तमाम चीज़ों में ज़्यादा परेशान होगा, तमाम तरह से उसके अंदर परेशानियों का जो तल है वो अलग हो सकता है। और फिर तुम अखबार पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए, कोई फिल्म देखते हुए, किसी को सुनते हुए, किताब पढ़ते हुए, कुछ भी तुम ऐसा पढ़ रहे हो, उसने तुम्हारे एक्सपीरियंशियल लेवल को चेंज कर दिया है, तो तुरंत तुम्हारा जो फीलिंग का लेवल है बदल जाएगा। जब घटना घटेगी तो तुम उस पर वैसे प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तुम्हारे प्रतिक्रियाओं का ढंग प्रीडेस्टिनेड हो गया है। ये अनुभव को कैसे हम लेंगे, उस तल की बात है। तो इसलिए जब इसमें रोल आता है कि साधना और सत्संग, इन सब का क्या भूमिका है, इसमें लोग फिर यही प्रश्न आगे उठाने वाले होते हैं कि अगर सब प्रीडेस्टिनेड ही है तो इसका भी क्या मतलब है। तो मेरा इसमें कहना होता है कि इसका बहुत बड़ा मतलब ये है कि ये तुम्हारी अगली प्रीडेस्टिनेड जो घटना है उसको शेप करने वाला है, यानी कि तुम्हारी इस मोमेंट की कंडीशनिंग को बदलने वाला है। तुम्हारा हर मोमेंट पे जो घटनाक्रम होगा वो तुम्हारी अगली कंडीशनिंग को बदलने वाला है। जैसे तुमने अपने गैजेट में अभी कौन कौन से ऐप डाउनलोड कर दिए हैं, उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुमने डाल दी है, तो अगली बार जब तुम ऑन करोगे अपना सिस्टम तो वो वही वाला बिहेवियर करने वाला है, उससे वही वही चीज़ें, वही वही रिजल्ट पॉप करने वाले हैं, क्योंकि तुमने उसको फीड अलग तरह से कर दिया है, तुमने अलग तरह से प्रोग्राम कर दिया है। तो साधना और जो सत्संग है ये कंटिन्यूअस प्रोग्रामिंग है, अलग तरह की प्रोग्रामिंग है, तो उसका ये उपयोग है।